यू वर्ल्ड मालवीय अकेडमी. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड आफ्टरनून नहीं, अतुल पांडे जी इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं. गुड इवनिंग अनुज द्विवेदी, जय हिंद, अच्छी बात है. इनाया हेलो. अलोन, आई एम इन 10th क्लास एंड माय नेम इज अलोन. ओके, इट्स ओके इफ योर नेम इज अलोन, बट डोंट बी अलोन. ठीक है, अलोन नाम तक तो ठीक है, बट अलोन रहिएगा मत. लोगों से घुलिए मिलिएगा, है ना, अकेले मत रहिएगा. ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? और मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, आपको कहा था कि आप उसका आंसर कमेंट में दोगे, बट मुझे एक भी आंसर नहीं दिखा, तो मैं वो क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगी भी नहीं जब तक आप वो कमेंट में नहीं दोगे. मैं अपनी ओर से नहीं बताऊंगी जब तक मुझे वो आंसर नहीं मिलेगा. नमस्ते राहुल, शिफा हेलो, करण गुड इवनिंग. ओके शिफा, थैंक यू, क्रिस्टल क्लियर है वॉइस. ठीक है, तो हाय कृति, तो आप सब 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई होप कल की क्लास आपने की होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आपको पता है कि हमारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा और 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो वो भी जल्दी जल्दी करना होगा. ठीक है, तो मैं हो सकता है बीच में ज़्यादा इंटरेक्ट ना करूँ, मैं पढ़ाते रहूँ, तो आप समझिए क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो इसलिए इंट्रैक्शन थोड़ा कम हो सकता है ना. आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में बाद में डाल सकते हैं, मैं वो देख के फिर आपको कल होके समझा दूंगी. ठीक है, हाँ ये 10th का अलोन. भगवान राम के साइड से राधे राधे. राधे राधे कृति, क्या हाल है भगवान राम जी का. तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास, और भी लोग जुड़ जाए. ठीक है, और ओके अलोन, यू आर इन क्लास 10th, आई रेड इट अर्लियर. शुरू करें क्योंकि 3 चैप्टर्स आज हम लोगों को, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, डस्ट ऑफ स्नो, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. 3 चैप्टर करना और 2 स्टोरीज ऑफ अबाउट फ्लाइंग में 2 पार्ट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना टाइम देना होगा. ठीक है, तो अब 15 मिनट हम लोग ऐसे भी कर लिए, बहुत, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब आप लोग और इधर उधर के सारे क्वेश्चंस छोड़ के यहाँ पे आई. और मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि मैम पोएटिक डिवाइस भी आएगा क्या एग्ज़ाम में, तो ऑफ कोर्स आएगा. अगर आप ये ऐसा पूछते हो कि मैम सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे एग्ज़ाम में, तो ये तो बट नेचुरल है कि ये आएगा ही आएगा. ये आपको सिलेबस में मेंशन नहीं करेंगे कि आपको लिटरेरी डिवाइस देंगे, पोएटिक डिवाइस देंगे, ये पार्ट है, ये आएगा ही किसी ना किसी फॉर्म में. ओके चलिए, और अगर मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर रही हूँ, बता रही हूँ पोएटिक डिवाइस ये सब के बारे में, अगर आपके कोई क्लासमेट बैचमेट यहाँ से पूछ रहा है कि मैम मैम और मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो अगर मैंने वो पहले बता रखा है तो आप उनके डाउट कमेंट्स में ही क्लियर कर दें. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, चलते हैं. ये तो मैंने कल डिस्कस कर लिया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑटोबायोग्राफी है, ये सब है, ये स्लाइड मैंने डिस्कस कर लिया था. ये भी मैंने अपार्थी क्या है, इनॉग्रेशन हुआ, ये सब हुआ, सब बता दिया था. अब यहाँ से, अब नेल्सन मंडेला ने अलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में ये डिस्कस किया है कि उन्होंने स्पीच में क्या क्या बोला. तो क्या क्या बोला है उन्होंने? ओके कृति, चलिए, ये CBSE क्लास 10th का सिलेबस है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अब वो बता रहे हैं जो, जैसे उनको ऑप्रेस किया गया, तंग किया गया, एज अ स्लेव रखा गया, उसके बारे में बता रहे हैं. तो ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ, ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ कि किसी को गुलाम बना के रखा गया, है ना. टेक्स एन ओथ फॉर फ्रीडम कंटिन्यूटी, टेक्स एन ओथ फॉर फ्रीडम कंटिन्यूटी, कि अब जो फ्रीडम मिली है वो लगातार चलते रहेगी. ठीक है, ऐसा वो प्रण लेते हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन, अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पहले अपार्थी था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बेस्ड ऑन दी स्किन कलर, अब वो नहीं होगा. डिस्क्राइब्स अबाउट हाउ जनरल्स वर सल्यूटिंग हिम,
अब बताता है कि अभी के जो जनरल्स हैं, मतलब जो जनरल्स हैं वो कैसे उनको सल्यूट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बल्कि वही लोग थे जो उनको अरेस्ट किया था, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किए थे. क्यों? क्योंकि दे हैड नो अदर ऑप्शन. अगर वाइट पीपल रूल कर रहे हैं, अगर वो बोलेंगे कि तुम करो उनको अरेस्ट, तो उनको करना पड़ेगा, वरना इट्स देयर जॉब. मे बी वो मन से नहीं चाहेंगे, बट वो करेंगे. अभी वही क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं. टाइम बदला, फ्रीडम मिला, कलर्स ऑफ स्मोक. अब वहाँ पर जब इनॉग्रेशन हो रहा, तो हम देखते ना कि ये एयर शो होता है, ट्रेल्स निकलते हैं अलग अलग कलर. हमारे यहाँ जैसे नेशनल फ्लैग का कलर निकलता है, सैफ्रन, वाइट, ग्रीन, ऐसा निकलता है. वैसे ही वहाँ पे निकला स्मोक ट्रेल किस कलर का? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड रेड. एंड दिस सिम्बलाइज्ड व्हाट? सॉरी, दिस सिम्बलाइज्ड साउथ अफ्रीकन, सिंबलाइज साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीका का फ्लैग. वहाँ पे दो नेशनल एंथम्स थे, एक वाइट नेशनल एंथम, एक ब्लैक नेशनल एंथम. ठीक है, फिर है हिस्ट्री टॉक्स अबाउट अपार्थी. अब वो बताते हैं कि हिस्ट्री में भी इसकी बात होती है. और एंग्लो बेयर वॉज इन 1900, ये बस आपको याद रखना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस डेट आप याद रखें. ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, गुलाम की तरह. ये सब कौन बता रहे हैं? नेल्सन मंडेला स्पीच में बोल रहे हैं. मैन लाइक ओलिवर, अब ये सब इतना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि फ्रीडम फाइटर्स मिले, इतने करेजियस पीपल मिले, लाइक ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, ये लोग मिले, हु वर करेजियस, वाइज एंड जेनरस. एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ करेज. नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में करेज का मीनिंग बताया. उसका मतलब क्या है? वन हु कैन ओवरकम देयर फियर, जो अपने फियर को ओवरकम कर ले, डर से आगे आ जाए. अब उसको किसी चीज़ से डर ना हो. अगर लाइक आई एम साइनोफोबिक, लाइक मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इट्स फनी बट लगता है. ठीक है, अगर जिस दिन मैं उस फियर को ओवरकम कर गई, आई विल बी करेजियस. राइट नाउ आई एम नॉट, आई थिंक सो. ठीक है, टोल्ड दैट हेट्रेड इज टॉट टू द पीपल. और फिर कहे कि हेट्रेड, नफरत जो है वो लोगों को बताया जाता है कि ये नफरत है, ऐसे करो, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये हम बताते हैं ना कि उससे मत मिलो, वो अच्छा नहीं है, उसके साथ मत घूमो. तो ये चीज़ हमारे अंदर एनग्रेव की जाती है. बल्कि और लव क्या है? लव हमारे अंदर पहले से ही होता है. ठीक है, आप पहले नज़र में ही मुंह घुमा के किसी से नहीं जाओगे, आप स्माइल ही करोगे. वो बाद में आपको कोई बताएगा कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, ये हुआ, तब आपके मन में थोड़ा मनमुटाव आएगा, ये होगा. तो लव इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन अस, वेयर एज हेट्रेड इज टॉट, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा. अब उन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बताया है. ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब कि दो तरह की चीजें जो एक इंसान को करना ही चाहिए अगर उसका जन्म हुआ है. पहला, एज अ फैमिली मेंबर अपने फैमिली मेंबर की हेल्प करना, जो कि नेल्सन मंडेला नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? अर्लियर, क्योंकि वो ऑप्रेस थे. अगर उनके पास, जब ऑप्रेस थे तो उनके पास पैसे नहीं देंगे, अच्छा इनकम नहीं होगा. जब वाइट रूल कर रहे हैं, अगर उनके पास पैसे हो भी, तो अगर वो हॉस्पिटल तक जाएं, अगर वाइट कह दिए कि तुम ब्लैक हो, तुमको नहीं दिखाने देंगे, तुम्हारी माँ बीमार है, हम नहीं जाने देंगे अंदर, तो वो क्या कर लेंगे? तो वो इस चीज़ का रिपेंटेंस उनमें है. और दूसरा, कंट्री, सोसाइटी और कम्युनिटी की ओर. ठीक है, कंट्री, सोसाइटी, हमारे देश के लिए. ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि, और इन सब वजहों के कारण, इन सब वजहों से वो एक फ्रीडम फाइटर बने. उन्होंने देखा कि वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, कंट्री के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ऑप्रेस्ड हैं. तो वो उसका अपोज किए और आगे बढ़े इसके खिलाफ लड़ने के लिए. और फिर क्या हुआ, ऑप्रेस्ड एंड उन्होंने कहा कि ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर बोथ आर नॉट हैप्पी, दोनों ही खुश नहीं होते. जो ऑप्रेस्ड है वो तो खुश नहीं होगा, जो गुलाम है. ऑप्रेस्ड मतलब जो स्लेव्स हैं, जो जिसको डोमिनेट किया जा रहा है. डोमिनेट मतलब नीचे, किसी नीचे को दबाव डालना, किसी पे हुक्म जताना. ठीक है,
और ऑपरेसर मतलब जिसको हम दबा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम अपने नीचे रख रहे हैं, जिसको गुलाम बना रहे हैं, तो ऑपरेसर तो खुश नहीं रहेगा, ऑपरेस तो खुश नहीं रहेगा, लेकिन ऑपरेसर भी खुश नहीं रहता क्योंकि ही इज़ फुल ऑफ हेट्रेड, उसके अंदर खुद इतनी नफरत है, इतनी नेगेटिविटी, वो कहाँ से खुश रहेगा। हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा पैसा, अगर हम गलत पैसा कमाते हैं, पैसा बहुत हो सकता गलत तरीके से कमा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन नींद अच्छी नहीं आती है, क्यों, कहीं उस पैसे के साथ कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा, कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, तो इस टाइप का टेंशन होता है। तो लोग बोलते हैं कि किसी भी तरह से पैसे कमा लो खुश रहोगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। नेक्स्ट, डेमोन मैम प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, सी दिस इज अ बाइलिंगुअल क्लास और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे, इसलिए मैं हिंदी में समझाऊँगी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। हाय सौम्या, हाय सतेंद्र, नेक्स्ट अब पॉइंट्स है, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर सेड बाय नेल्सन मंडेला। बस आपको अभी सेंटेंस देखना है कि कौन किसने कहा, ठीक है। तो अब ये ब्यूटीफुल लैंड कभी भी अब इस पर कोई ऑप्रेस नहीं करेगा, कोई रूल नहीं करेगा, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही हैज़ सम ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी। किसने कहा, मंडेला ने, नेल्सन मंडेला ने, मैंने बताया ट्विन ऑब्लिगेशन, तो वो सोशल एनिमल है, उसको ये चीज़ करनी चाहिए। इंटरनेशनल लीडर्स विजिटेड साउथ अफ्रीका टू अटेंड द एंड ऑफ अपार्थी, ठीक है। इंटरनेशनल लीडर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका गए थे, मैंने जैसा बताया इनॉग्रेशन में। स्मोक ट्रेल ऑफ इम्पाला मैंने बता दिया, सिंबलाइज करता है फ्लैग को, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को। हु इज़ नॉट फ्री अकॉर्डिंग टू मंडेला, बोथ ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों ही। एक वर्ड आपके टेक्स्ट में मेंशन है, उसका मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। शेवरॉन, शेवरॉन मतलब क्या होता है, पैटर्न इन शेप ऑफ वी, उसको कह दिए शेवरॉन, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स कितने इलेक्ट हुए थे, अपॉइंट हुए थे, दो, मैंने बताया फर्स्ट और सेकेंड। टूडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर डैश 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 एंड कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न डैश, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो वहाँ पे लिबर्टी डालना है, वहाँ पे हो सकता है फ्रीडम हो, ठीक है, बट आपको लिबर्टी, क्योंकि यही टेक्स्ट में है, ऐसा ही उन्होंने कहा है, ठीक है। और शेयर कीजिए आप लोग इसको, और टेंथ के बच्चों से और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इंग्लिश साइड में रखे हुए थे उनका जल्दी से रिविजन हो जाए, ब्रश अप हो जाए, है ना। नंबर ऑफ सीट्स यूज, सीट्स वन, कितने सीट्स जीते थे उन्होंने, 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। नेल्सन टुक ओथ ऑन और इनॉग्रेशन वॉज हेल्ड ऑन 10th May 1994, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मंडेला, कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इन इट्स पीपल, उनके लोगों में ही वेल्थ है। एक कंट्री का वेल्थ कहाँ है, उस कंट्री के लोगों में, ठीक है, वहाँ के पीपल में, ओके। सो अकॉर्डिंग टू हिम द कंट्री पीपल आर इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोना प्रोनाउंस दिस बिकॉज आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। तो ये जो है ये एंथम था वाइट्स के थ्रू, वाइट्स, मैंने कहा दो नेशनल एंथम था, ये एंथम वाइट्स ने दिया था, और डाई स्टेम ये ओल्ड एंथम बाय ब्लैक, जो ब्लैक करते आ रहे थे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, सेड बाय मंडेला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ूंगी, बस क्वेश्चंस देखूंगी, क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है चीज़ें, तो क्वेश्चंस देखते हैं। द गेस्ट एट दिस पर्टिकुलर सेरेमनी आर बींग कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज, क्यों, अब आप लोग जल्दी से साथ ही साथ आंसर देते जाइए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबका आंसर देख पाऊंगी, बट जिसका देख थोड़े बहुत देखूंगी मैं बोल दूंगी, ठीक है। चलिए, दे हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट टू अटेंड इट, दे आर एमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स विटनेसिंग इट, दे आर विजिटिंग द कंट्री फॉर दिस पर्पज, दे हैव रेज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री। तो क्या होगा,
अच्छा पहला आंसर आया ए, दे हैव बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट टू अटेंड इट. ओके राइट. राघव सृष्टि स्मृति वेरी ट्रू, क्योंकि वो गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाए गए हैं इसलिए उनको एज डिस्टिंग्विश्ड बोला जा रहा है. ठीक है, गेस्ट को हम बुलाते हैं तो हम उनको कैसे एक्सक्लेम करते हैं, डिस्टिंग्विश्ड. इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट, सेल्फ सॉरी रिस्पेक्ट. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड. तो इट्स अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी ऐसा वहाँ लिखा हुआ है. तो ह्यूमन डिग्निटी में क्या क्या आएगा, वो कौन कौन वर्ड होंगे जो ह्यूमन डिग्निटी में आएगा. जैसे कि पहला है इक्वालिटी, लिबर्टी, इनडिसेंसी. तो इनडिसेंसी तो नहीं आएगा, आपको डिसेंट होना चाहिए ना. और फिर उसके बाद है लिबर्टी, इनडिसेंसी और सेल्फ रिस्पेक्ट. अगेन इनडिसेंसी नहीं होगा, डिसेंट मतलब डिसेंट होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए. ठीक है, इमॉर्टेलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी. उसके बाद है इक्वालिटी, लिबर्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट. तो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डिग्निटी की तो हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए और अपना आत्म हिंदी में सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, हिंदी में आप मुझे बताइए, सेल्फ रिस्पेक्ट की हिंदी बताइए आप मुझे. ठीक है, ज़रा मैं भी देखूं, जल्दी बताइए सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान. राइट, इट जस्ट स्लिप फ्रॉम माय माइंड. ओके गुड. ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हाई डज द स्पीकर से दैट इट इज अ रेयर प्रिविलेज, ही सेज दिस एज दे हैव. क्यों ये रेयर प्रिविलेज कह रहा है, रेयर मतलब जो कम मिले, बहुत कम, बहुत कम, कभी से कभी. ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहा है वो, क्या लगता है आपको. Been deprived of this honor, seldom been given this honor, experienced it for the first time, been chosen over other over other entries for this. तो क्या लगता है क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ. क्यों रेयर प्रिविलेज था, ओके नहीं मुझे अभी तक सही आंसर नहीं दिखा है. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है, किन्होंने पूछा था अभी, एक ऊपर चला गया. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड. ठीक है, सम्माननीय. अब है इसका होगा एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सब वो चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो सालों से ऑप्रेस्ड थे और वो पहली बार ये चीज़ फेस कर रहे थे. हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स हिज स्टेट ऑफ माइंड. इमोशनल रिलेटेड, अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल तो नहीं होगा. ठीक है, इलेटेड, अनमाइंडफुल, ओवरवेल्म, फिर से ये नहीं होगा. कन्फ्यूज्ड तो नहीं है, परप्लेक्स तो नहीं है. ओवरवेल्म, इलेटेड, ऑनर्ड, इलेटेड, ऑनर्ड, अनमाइंडफुल, फिर से ये नहीं होगा. तो क्या ऑप्शन जाएगा, ओवरवेल्म बहुत खुश, इलेटेड खुश, बहुत खुश, ऑनर्ड रिस्पेक्टेड. ठीक है, वेरी गुड शिवम, राइट आंसर. नेक्स्ट है द टाइटल दैट बेस्ट सूट्स दिस एक्सट्रैक्ट, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो अब गेस कीजिए कि इसमें से कौन सा बेस्ट टाइटल दे सकते हैं. संदीप मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर एंड एट फर्स्ट आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू, आई होप यू रिकॉग्नाइज मी नाउ. दुनिया जी नमस्ते, दिख रहा है आपका मैसेज. ए बोल रहे हैं फ्रीडम फॉर एवरीथिंग. नो,
इट विल बी रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम. उनको अब पता चल रहा है कि फ्रीडम क्या होती है. उन्होंने तो कभी रियलाइज ही नहीं किया, कभी फ्री ही नहीं थे जो वो कह सकते हैं कि अच्छा ये फ्रीडम होता है. अब वो रियलाइज कर रहे हैं ओके दिस इज फ्रीडम. गॉट इट मैम. व्हाट्स योर नेम? वाओ नाइस. ओके आई एम प्रज्ञा भारद्वाज. ओके ओके नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशंस सम फ्रीडम्स एज ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी मतलब जो बदलता रहे, चेंज होता रहे. तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्पीकर? क्योंकि द फ्रीडम्स आर मोमेंटरी एंड कीप चेंजिंग विद टाइम. फ्रीडम जो है मोमेंटरी है. मोमेंटरी और ट्रांजिटरी मतलब वही होता है जो बदलता रहे, टेम्पररी हो, ठीक है, तुरंत तुरंत चेंज होता रहे. तो आज हमारे लिए फ्रीडम कुछ है, कल कुछ और होगा. आज हमारे लिए फ्रीडम मे बी अगर मैं 10th में हूँ तो मेरे लिए फ्रीडम होगा कि मुझे फ़ोन मिल जाए, ठीक है. आई विल लाइक कि अगर पापा मम्मी कह रहे कि नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं देंगे, कंट्रोल कर रहे हैं, तो यू लाइक कि मुझे तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, फ़ोन चलाने तक की फ्रीडम नहीं. तो फ़ोन मिल गया तो वो 10th क्लास के लिए फ्रीडम होगा, लेकिन हमारे लिए फ़ोन मिलना फ्रीडम नहीं होगा. हमारे फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव होगा वो काफ़ी अलग होगा, है ना. क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है कि हम जिस तरह, जैसे हमारा होगा कि हम जिस तरह का भी जॉब करना चाहें हमें करने के लिए दिया जाए, उसमें कोई रोक टोक ना करे, ये सब टाइप का फ्रीडम. लड़कियों का फ्रीडम अलग होता है, हो सकता है, फिर लड़कों का भी फ्रीडम अलग होता है, ये चेंज होते रहता है. द स्पीकर सेज एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. वाई डू यू थिंक ही ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ? वो छोटा था तो वो सोचता था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, जैसे बच्चे कि मम्मी पापा हमेशा रोक टोक लगाते रहते हैं, ठीक है, ऐसा. लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जब उसने देखा कि सबकी हालत वही है, सब ऑप्रेस्ड हैं, है ना, तब उसे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ तो सब ऑप्रेस्ड हैं, सब मेरे ही तरह हैं, ठीक. तो इसका होगा ही वॉज टू यंग टू रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज डिनाइड टू अदर्स एज वेल. बाकियों को भी फ्रीडम नहीं है. गॉट इट? नेक्स्ट फिर से एक्सट्रैक्ट है, हम क्वेश्चन पे आते हैं. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु लिबरेटेड एंड अबॉलिश द अपार्थी सिस्टम, यूज देयर रिसोर्सेज टू स्प्रेड अवेयरनेस, fought for their country's freedom, demonstrated utmost strength to oppose the system. जल्दी से इसका आंसर दीजिए. आप लोग बहुत देर से आंसर देते हैं, ऐसे में बहुत टाइम चला जाता है ना. आप क्वेश्चन देखते ही आंसर दीजिए. फोर्थ ऑप्शन होगा demonstrated utmost strength to oppose the system. क्यों? क्योंकि वो लोग जो चीज़ फेस करते आ रहे थे उसके अगेंस्ट सवाल उठाने की हिम्मत कुछ ही लोगों ने की होगी, इस वजह से. नेक्स्ट वी हैव नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड्स. किसको कहते हैं डायमंड? नेल्सन मंडेला किसको डायमंड से कंपेयर करते हैं? नेल्सन मंडेला, जल्दी से आंसर दीजिए. गुड स्मृति, राइट आंसर. स्टूडेंट्स नॉलेज, राइट आंसर. ओमकार, राइट आंसर. हिज कंट्रीमैन, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, देशवासियों को. व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट दे आर क्या हैं वो लोग. आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइफ्स, जो अपने लाइफ को रिस्क में लाएँ, ठीक है, और अपने आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को सामने रखें. तो वो क्या हैं? करेजियस हैं, हिम्मत वाले हैं, जो ऐसा करते हैं. सेलेक्ट द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कम्प्लीट द फॉलोइंग. डेप्थ, हाइट. डेप्थ और हाइट सिनोनिमस हैं. उसी तरह से अब कंपैशन का सिनोनिम ढूंढना है हमें. तो क्या होगा? जेनरोसिटी. ये ओ यू नहीं हो, जेनरोसिटी, ठीक है. ग्रेटफुल, अच्छा, हम्बल होना, ठीक है, दैट इज जेनरोसिटी, ठीक है.
राघव यादव, ये यूपी बोर्ड के साथ भेदभाव क्यों? बिल्कुल भेदभाव नहीं है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ आएगा, आप बस इंतज़ार कीजिए थोड़ा, ठीक है? तो ये था हमारा नेल्सन मंडेला कंप्लीटेड, एमसीक्यू हो गया, पॉइंट्स बता दीजिए जैसे एमसीक्यू आ सकता है, ये हमने कर लिया। अब हम आगे चलें, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और डस्ट ऑफ स्नो करते हैं, है ना? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड आई लव दिस पोएट। इनके वर्क्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, सूदिंग होते हैं, कामिंग होते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ पोएम, इससे पहले हमने प्रोज किया, ये पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट या रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। इनके अदर पोएम्स क्या क्या है? द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ इवनिंग, ऑन एन इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल, ये सब इनके अदर वर्क्स हैं। गॉट इट? बहुत छोटा सा, क्यूट सा, प्यारा सा पोएम है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला नहीं है, तो आप ये रिलैक्स होके पढ़ें। तो इस पोएम में क्या है कि हम लोग जब बिल्ली रास्ता काटती है तो रुक जाते हैं, है ना, कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये क्या है? ये हमारा सुपरस्टिशन है, ये हमारा अंधविश्वास है, है ना? तो इसी के ऊपर ये पोएम है कि जो वो कहना चाह रहे हैं कि हमें जो ये हमारा माइंड, इट्स ऑल इन आवर माइंड, कि ये इसके वजह से ये गलत हो जाएगा। हम अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो ऐसा नहीं है, ये भी नेचर के ही पार्ट हैं, ये हमारे लिए बुरा नहीं है, वो यहाँ ये शो करना चाहे है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूट। ठीक, तो ये मैंने अलग से इसका मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, रिग्रेटफुल रूट का मीनिंग। सबसे पहले इसका हम राइमिंग स्कीम ढूंढ लेते हैं, क्रो को ए दे देते हैं, मी को बी, क्रो स्नो तो फिर ये भी ए हो जाएगा, मी ट्री सिमिलर राइमिंग स्कीम तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब हार्ट, हार्ट किसी से मैच कर रहा है? नहीं, तो इसको सी दे देते हैं। मूड किसी से? नहीं, तो यहाँ डी दे देते हैं। पार्ट और हार्ट मैच कर रहा है तो ये सी, मूड और रूट कर रहा है तो ये डी। तो इसका राइमिंग स्कीम हमें क्या मिल गया? ए बी सी डी सी डी। गॉट द राइमिंग स्कीम हियर? लव यू टू अंजलि। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक है हेमलॉक ट्री और दूसरा है क्रो, ये दोनों नेगेटिव शो कर रहे हैं, जैसे कि बिल्ली, बिल्ली रास्ता काटे, बिल्ली हो गई हमारे नेगेटिव, उसी तरह से वेस्टर्न में, वेस्टर्न कल्चर में क्रो और हेमलॉक ट्री को बुरा माना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पोएट है वो आता है, बैठता है या हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है और सडनली एक्चुअली उसका मूड थोड़ा अपसेट रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड फील करता है। सडनली क्या होता है, क्रो वहाँ पे आता है, मे बी वो फड़फड़ाया होगा या आया होगा या जा रहा होगा, तो जिससे कि ब्रांचेस ऑफ हेमलॉक ट्री हिले और उसमें जो स्नो था उसका थोड़ा सा टाइनी पार्ट जो है पोएट के बॉडी पे गिरा। डस्ट ऑफ स्नो इसलिए है क्योंकि डस्ट, क्योंकि टाइनी पार्ट गिरा थोड़ा सा, तो इसलिए जो है क्या हुआ, इसका नाम डस्ट ऑफ स्नो पड़ा। अब जब वो गिरा तो फिर वो जो डिसअपॉइंटेड थे उनका डिसअपॉइंटमेंट गायब हो गया, क्योंकि उनका दिमाग ध्यान हट गया और वो डस्ट ऑफ स्नो के बारे में सोचने लगे, उनका ध्यान हट गया उस दुख भरे चीज़ों से और अब वो अगली दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगे और पिछली चीज़ों के बारे में भूल गए। और वो बोलते हैं कि इन दोनों हेमलॉक ट्री और क्रो की वजह से ये मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट था, ये सॉरोनेस था, ये गायब हो गया और अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ और आगे का मेरा दिन जो बर्बाद होने वाला था आधा दिन, वो अब नहीं होगा। ये है इस पोएम का कहना। ठीक है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री कंसिडर्ड नेगेटिव इम्प्लीकेशन इन द वेस्टर्न, बट फॉर द पोएट इट वॉज समथिंग पॉजिटिव।
मैंने जो बोला है वही यहाँ लिखा है, तो अब मैं उसको वापस से हिंदी में बताऊंगी नहीं क्योंकि मैंने बता दिया, अब आप लोग बस सुनते जाइए. सुपरस्टिशन इज रॉन्ग, दे आर पार्ट ऑफ नेचर एंड आर ब्यूटिफुल. क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज सोरो, क्या सिंबलाइज करते हैं? सोरो. डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या सिंबलाइज कर रहा है? इट्स रिजुविनेटिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ स्नो. उसमें एक हीलिंग पावर है. अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही हूँ तो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से क्या हुआ, मैं हील्ड फील कर रही हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है. नेक्स्ट, सीजन इन द पोएम, विंटर सीजन. कौन सा सीजन है? विंटर सीजन. क्यों? क्योंकि स्नो के बारे में चर्चा की हुई है. पोएट स्टेट ऑफ माइंड, पोएट का स्टेट ऑफ माइंड क्या था? ही वॉज सैड, डिप्रेस्ड, अपसेट था ना. इस लेसन का नेम क्या? आप कहाँ हैं अलोन जी? गलत बात, क्लास में रहिए. अमर सिंह क्या रिप्लाई देना है बताइए. व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोएट? अ डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, चेंज कर दिया. हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द मूड ऑफ द पोएट? व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल इन ऑन द पोएट, इट चेंज हिज मूड एंड ही बिकेम एंड This incident changed his mind from current thoughts which were depressive and he noticed the beauty around him. जो मैंने बताया कि जैसे वो गिरा वो उसका mood change हो गया, उसका जो अभी present में mindset था, जो सोच रहा था उससे ध्यान चला गया और अलग सुंदर चीज़ों पर चला गया. Poetic device saved some, poem में है तो एस एस सेम साउंड वाले एलिटरेशन होते हैं, तो इसमें एक एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस है. ठीक है. क्रो एंड हेमलॉक ट्री इज शोन एज अ हैवीली मीडियम बाय हैवीली नेगेटिव मीडियम बाय फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट ने यहाँ पे नेगेटिव शो किया है पहले. ठीक है. सो द पोएट शोज हियर दैट हाउ नेचर कैन लिफ्ट अप एज अ पॉजिटिव, डालते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ और कहा जा रहा है. पॉजिटिव क्या है? फ्रॉस्ट ने यहाँ पे पॉजिटिव शो किया है और शो ये दिखाया है कि नेचर जो है लोगों का मूड लिफ्ट अप कर सकता है, खुशी ला सकता है, ये दिखाया है. पहले वो यहाँ पे जो वेस्टर्न कल्चर में वो नेगेटिव होता है, बट यहाँ फ्रॉस्ट ने ये शो किया कि नहीं, ये भी पार्ट ऑफ नेचर है, ये गलत नहीं है, हमारा पर्सपेक्टिव गलत है. अच्छी बात है अभिषेक, अगर ऐसा है कम से कम साथ ही साथ सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान मिल रहा है उनको. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो रेडी हो जाइए. Of the many symbols the hemlock tree represents, choose the one that Frost drew upon in all likelihood for his poem. Symbol of kya? Hemlock tree ke liye kya use kiya? Symbol of healing. Usse wo heal feel hua na, yahan pe wo positive cheez dikha raha hai. To wo uska mood lift up hua, heal hua. Choose the option that lists the possible feeling of the poet prior to the experience shared in the poem. अब यहाँ पे बताना है कि पोम में पहले पोएट का क्या मूड था. ठीक है. रीअश्योर्ड तो बिल्कुल नहीं था, उसमें अश्योरेंस नहीं थी, वो दुखी था, डिसअपॉइंटेड था, क्यूरियस नहीं था, डिमोटिवेटेड था, थैंकफुल तो नहीं था, डिसहार्टेंड था, इम्पल्सिव गुस्से में तो नहीं था, तो ये सब नहीं होगा. 2, 4, 6 कोई ऑप्शन है? है बी. ठीक, बिल्कुल सही सृष्टि. Choose the option showing the reason not corresponding with a crow shook down on me the dust of snow. ठीक है. तो देखो, crow जो है dust of snow shook किया, तो crow का position क्या रहा होगा? The crow's landing on the branch of the tree. हो सकता है वो आया होगा तब गिरा होगा, पेड़ पे चढ़ा होगा तो थोड़ा सा हिला होगा टहनी, तो उस वजह से गिरा होगा. The shivering of the
क्रो कोल्ड ड्यू टू द, ये आधा लिखा हुआ है इसको हटाओ, शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड डालो और ये हटाओ, ठीक है. द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच, द कॉइंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलिएज. तो ये नहीं होगा, वो काव काव कर रहा है तो उससे क्या हिलेगा थोड़ी टहनी, तो ये नहीं होगा. बाकी के वजह से टहनी हिल सकता है और स्नो गिर सकता है. बिल्कुल सही सृष्टि. तो वी आर डन विथ वन मोर चैप्टर, डस्ट ऑफ स्नो. अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है, जल्दी से फटाफट इसको कर लेते हैं, ठीक है. ऐसे ही ओबीडियंट बन के क्लास कीजिए आप लोग. आप इतना लेट अमर ज्वाइन किए हैं क्या, क्योंकि हम लोग अभी डस्ट ऑफ स्नो कर रहे थे. अब हम लोग आएंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पे. आशीष चंचलानी व्लॉग, मैम आप मेरा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे. हेलो आशीष, मैंने देखा नहीं ऊपर अब क्या है. चलिए अब जल्दी से कर लेते हैं. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो स्टोरीज हैं. पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक. किसने लिखा है? लियामो हार्टिन, ठीक है. उसके बाद ये जो राइटर हैं वो एक आयरिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट राइटर ऑफ 18th सेंचुरी हैं. इस स्टोरी में क्या है, ये स्टोरी सीगल के बारे में है जो दिखाता है डर के आगे जीत है, और हम लोग कैसे प्रेशर में आके सब काम कर लेते हैं. जैसे कि अभी आपको, आपके ऊपर बहुत प्रेशर, आप साल भर से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम से पहले ऐसा पढ़ेंगे कि आप साल भर भी वैसा नहीं पढ़ पाते, है ना. तो प्रेशर के अंदर, क्राइसिस के अंदर हम कैसे एक्ट करते हैं, ये है. सीगल वॉज वेरी, इसमें क्या होता है कि एक सीगल रहता है. सीगल इज अ काइंड ऑफ बर्ड, वाइट एंड ग्रेइश इन कलर, सी बर्ड है, और काफ़ी झुंड में उड़ते रहते हैं. देखते होंगे आप, आते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, ऐसे, ठीक है. तो वो बर्ड होती है और उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं. लेकिन सीगल जो होता है वो काफ़ी डरा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि उसको उसके मम्मी पापा भी उड़ना सिखा रहे हैं, और उसको उड़ना या फिर पानी में तैरने से डर लगता है. लेकिन अब वो बर्ड है, उड़ना तो सीखना पड़ेगा, ठीक है. आप इंसान हैं तो आपको कमाना तो पड़ेगा, घर चलाने के लिए, खुद की बॉडी, खाना पीना खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. तो वही चीज़ था, तो उसको उड़ना तो पड़ेगा ताकि वो अपने पेट का उपाय कर ले, खाने पीने का. तो उसके भाई बहन सीख जाते हैं, लेकिन वो नहीं सीख पाता है, तो इसलिए वो डरा हुआ रहता है. और इस वजह से उसके भाई बहन उसको कॉवर्ड बोलते हैं, इग्नोर करते हैं, तंग करते हैं, चढ़ाते हैं. उसके माँ बाप परेशान है कि सीख लो भाई, सीख लो. लेकिन सीगल जो है, जैसे ही पानी देखता है, ही इज़ लाइक ओ माई गॉड, मैं इसमें डूब गया तो, मैं गिर गया तो उसको ये सब चीज़ होने लगता है. तो वो उसके फैमिली मेम्बर्स फेड अप होके बोलते हैं कि तुम जाओ, उसको आइसोलेट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं. तो वो साइड में चला जाता है, लेज के पास एक होल होता है, एक लेज जो होता है, लेज जैसे माउंटेन में एक क्लिफ होता है ना, उसके नीचे कुछ नहीं होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कार्टून वगैरह में, ऑगी एंड द कॉकरोचेस वगैरह में, वो लोग चलते जाते फिर यहाँ आते हैं, फिर नीचे देखते हैं कुछ नहीं है, ठीक है. उस टाइप का लेज होता है, इसको लेज कहते हैं, ठीक है. तो लेज के नीचे छोटा सा होल है, वहाँ चला जाता है और वहाँ पे शांति से रहता है. फिर उसको थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरे पे अटेंशन नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है. तो वो क्या करता है, थोड़ा सा ड्रामेटिक होता है. बर्ड्स जो हैं अपना एक पैर उठा के सोते हैं और एक पैर विंग में छिपा के सोते हैं आँख बंद करके, तो वैसे पोजिशन में आ जाता है. और उसको भूख भी लगी होती है, तो कि मैं सो रहा हूँ, थक गया हूँ, कोई मुझ पर अटेंशन दे दे. कोई अटेंशन नहीं देता, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो नोटिस करती है उसके एक्शंस को, और उनको दया आती है. और उसी टाइम उसकी माँ क्या कर रही होती है, शी इज़ शार्पनिंग हर बीक. जैसे हम लोग चाकू को रगड़ के उसको धारदार बनाते हैं ना, ब्लंट चाकू अगर होती है तो उसको, तो सीधे से बीक को, ताकि वो मछली वगैरह पकड़े, उसको कट कर सके, टियर कर सके. तो वो वही कर रही होती है, और ताकि उसके, उनके पास जो है मछली है, उसको वो टियर करके खाने वाली है. और यही चीज़ वो देखता है सीगल, और ही इज़ लाइक कि उसको खाने का मन करता है, और ये चीज़ उसकी माँ देख लेती है. तो वो क्या करती है, उसको लेके जाती है सीगल के पास, और सीगल खुश हो जाता है. और जैसे ही लेके जाती है, सीगल खड़ा होता है, फिर उसकी माँ थोड़ा पीछे होती है. यहाँ सीगल है, इसकी माँ थोड़ा पीछे हुई, तो फिर ये आ गया है, फिर पीछे हुई, ये आ गया है, पीछे हुई, आ गया है.
और अचानक से उसकी माँ पीछे चली जाती है और वो यहाँ इस पॉइंट पे होता है, मतलब उसके नीचे केवल पानी। अब वो क्या करे? तो अब उस पर प्रेशर है, क्राइसिस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। डरता है, बट सडनली उसका पंख खुल जाता है और वो उड़ने लगता है, क्योंकि नेचुरली प्रेजेंट होता है ना, और वो उड़ने लगता है और बाकी लोग उसके फैमिली मेम्बर्स देख के खुश होते हैं। और जब उड़ने लगता है तो थोड़ी देर बाद वो पानी में जाता है। फिर पानी में जाने के बाद वो क्या होता है, फिर उसको लगता है कि अगर मैं फ्लोट नहीं करूँगा, पानी के अभी जस्ट ऊपर है, मैं फ्लोट नहीं कर पाऊँगा, डूब जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जाता है, उसका पैर जैसे ही उस पर जाता है, वो फ्लोट करने लगता है। नाउ सब लोग खुश होते हैं कि आखिरकार ये सीख गया, ही ओवरकेम हिज फियर। और सब लोग आसपास आके एकदम नाचते गाते झूमते हैं और सीगल को डॉग फिश खिलाते हैं। ठीक है, दिस इज दिस स्टोरी। ओके, अब हम जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। सीगल वॉज, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीगल वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स इग्नोर द यंग सीगल। सिबलिंग्स में दो भाई थे, एक बहन थी। यंग सीगल इज हंग्री एंड बिकम्स ड्रामेटिक। मदर ट्रिक्स हिम इन टू फ्लाइंग। सीगल लर्न्स फ्लाइंग एंड फ्लोटिंग, एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, मदर मोरल, ओवरकम योर फियर्स ऑल्सो। पीपल जनरली आर, ओहो, कैपेबल टू फेस क्राइसिस एंड, ओ माई गॉड, लर्न एनी थिंग अंडर क्राइसिस। ओके, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग जो है, इसका मोरल क्या है कि अपने डर को, डर के आगे बढ़ना चाहिए, डर के आगे जीत है, और हम लोग प्रेशर में कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट्स हैं जिससे एम सी क्यू आ सकता है। यंग सीगल लिव्ड ऑन हिज लेज। यंग सीगल्स अदर फैमिली मेम्बर्स सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी लर्न फ्लाइंग। वेयर डिड यंग सीगल स्लीप टू स्केप। कहाँ वो भाग के अलग उसको किया गया, तो कहाँ सोया था? इन लिटिल होल अंडर लेज। यंग सीगल वॉज क्लेम्ड टू बी अ कावर्ड बाय हिज फैमिली मेम्बर्स। लेज क्या है? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम क्लिफ। अपब्रेडिंग मतलब क्या होता है? स्कोल्डिंग, डांटना। ठीक है, आई होप आप लोग कहानी पे ध्यान दे रहे होंगे। हु टुक नोटिस ऑफ यंग सीगल व्हेन ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप? उसकी माँ ने नोटिस किया था। व्हाट टेम्प्टेड द यंग सीगल? क्या अटेम्प्ट किया, क्या ल्योर किया, क्या अट्रैक्ट किया? द फिश विच हिज मदर हैड विद हर, जो उसकी माँ ने उसके साथ खाया, खा रही थी, बाद में माँ के पास था, और वो चीज़ उसने देखा सीगल ने, और उसको वो अट्रैक्ट किया। फैमिली ऑफर्ड स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश टू सेलिब्रेट सीगल्स फ्लाइंग। जब वो सीख गया तब उसको डॉग फिश दिया, क्योंकि वो उसका फेवरेट था। वट डिड द सीगल डू टू ड्रॉ द अटेंशन? ही स्टूड, अटेंशन पाने के लिए क्या किया था उसने? ही स्टूड ऑन वन लेग, अदर लेग हिडिंग अंडर हिज विंग, केप्ट हिज वन आई क्लोज प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। फियर स्टॉप्स वन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस दे लर्न देम। ये मैंने बता दिया। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। उसकी बहन का जो विंग था वो उससे छोटा था, तो भी वो सीख चुकी थी। उस सीगल का जो भाई था वो हेरिंग पकड़ चुका था, मतलब वो लोग बहुत ही ज़्यादा सीख चुके थे। हेरिंग क्या है? सॉफ्ट फिन सी फिश। सीगल्स फैमिली वॉक्ड ऑन अ बिग प्लेटू। सीगल हैडंट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। नाइट होगा ऑप्शन में, और नाइट फॉल दोनों होगा तो आप नाइट फॉल टिक करोगे। सीगल्स फादर वॉज प्रीनिंग। प्रीनिंग मतलब हम चोच से करते हैं ना ठीक, अपना फेदर वगैरह, वही उसी को कहते हैं। द फेदर ऑन हिज वाइट बैक। हु स्क्रीम्स एट सीगल? कौन चिल्लाता है? माँ चिल्लाती है। द साइट ऑफ फूड मैडन द सीगल। क्रेजी हो गया फूड को देख के। हिज मदर सूप पास हिम मेकिंग अ लाउड वॉइस फ्रॉम विंग्स। ही वॉज फ्लाइंग अबव ग्रीन सी। पूछ सकता है ब्लू सी, पिंक सी, तो वहाँ ग्रीन सी होगा। डन हो गया हमारा एक पार्ट। प्रिंस, ले लिया आपका नाम। हेलो प्रिंस। ठीक है, अब नेक्स्ट द ब्लैक एरोप्लेन।
समझ में आ गई बाकी पीछे जितनी स्टोरीज मैंने बताई, पोम बताया, सब समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग करते हैं द ब्लैक प्लेन, ये है आज का लास्ट टॉपिक, जल्दी से इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नरेटर होता है वो इंग्लैंड जा रहा होता है फ्रांस से, और वो अपना पायलट होता है, वो अपना एरोप्लेन लेके जाता है, वो बहुत एक्साइटेड रहता है, उसका प्लेन का क्या नाम है, ओल्ड डकोटा प्लेन, वो बहुत एक्साइटेड रहता है कि वो फ्रांस से इंग्लैंड जाएगा और वहाँ जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा अपनी फैमिली के साथ, और इस चीज़ के लिए वो बहुत एक्साइटेड रहता है, इसलिए वो जाता है, ठीक है, और वो प्लेन पे बैठता है। जब वो एरोप्लेन पे चलाने के लिए बैठता है तो फिर वो सबसे पहले पेरिस हेड कंट्रोल रूम में कॉल करता है कि डायरेक्शन पूछने के लिए, तो वो उसको डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक, और वो जाते जाता है, जाते जाता है अचानक से एक ब्लैक ह्यूज माउंटेन की तरह क्लाउड आता है, बहुत काले काले घिरे हुए बादल, और स्टॉर्म टाइप का हो जाता है, जिससे कि अब प्लेन आगे नहीं बढ़ सकती और रिस्की है वो। बट ये क्या होता है, जो नरेटर है ही इज़ सो एक्साइटेड, ही इज़ लाइक कि मैं रिस्क लूँगा, और चला जाता है और उसकी हालत ख़राब, उसका फ्यूल कम हो जाता है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, कंट्रोल रूम में करता है कॉल, हेलो हेलो, कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, अब उसके पास, अब वो क्रैश भी हो सकता था। सडनली क्या होता है, एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, और ब्लैक एरोप्लेन वाला वेव करता है उसको कि चलो मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखा देता हूँ, और वो उसको डायरेक्शन देता है। अब उसके पास बस थोड़ा सा ही फ्यूल बचा है, आधे घंटे का फ्यूल या कुछ इस तरह से बचा होता है, और वो इस टेंशन में होता है कि फ्यूल ख़त्म ना हो जाए, बट सडनली उसको डायरेक्शन वो दिखा रहा था, उसको रनवे दिख जाता है, और वो रनवे पे आता है, रनवे पे जैसे ही आता है, उतरता है, सेफली लैंड हो जाता है, उतरता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं ब्लैक एरोप्लेन वाले को थैंक यू बोल दूँ, ये वो, तो देखता है आसपास कोई एरोप्लेन नहीं है, फिर वो जाता है कंट्रोल रूम में पूछने के लिए कि एक और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो उड़ रही थी, तो वो जो वुमन थी वो उसको अजीब तरह से घूरती है कि हैं क्या बोल रहे हैं आप, कौन सा एरोप्लेन, ऐसा वेदर था, हम और किसी एरोप्लेन को नहीं भेजे। तो यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है, इट्स अ मिस्ट्री कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, वो कुछ भी हो सकता है, उसका खुद का आत्मविश्वास हो सकता है, या भगवान हो सकते हैं, कोई एनर्जी हो सकती है, नो आइडिया, ठीक है, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म की स्टोरी लग रही है, ठीक है। द नरेटर इज़ मूविंग टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस इन हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली एंड हैव हिज इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या क्रेज था इतना इंग्लिश ब्रेकफास्ट का, उसको उसके लिए वो इतना रिस्क ले लिया। प्लेन टेक ऑफ टाइम क्या था, 1:30 AM। कॉन्टैक्टेड पेरिस कंट्रोल रूम टू आस्क फॉर द वे टू इंग्लैंड, टेक डकोटा DS0। उसने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने ये गाइडलाइन दिया। He is on second last fuel tank now. अब उसके पास जो है second last fuel बचा है. Thinks about his breakfast and suddenly sees black mountain clouds, but takes the risk of going that way. Gets into the problem. No radar signal. Can't contact to the Paris control room. Is helpless. ये सब उसका condition उस time का है. Suddenly a black aeroplane appears and it first waved him to follow his black aeroplane and guided them with the direction. जैसा मैंने बताया, the narrator is a bit relaxed to find direction, but after half an hour he notices that there is not much fuel left now. But thankfully he notices a runway and lands safely. Now he finds the pilot of the black aeroplane, ये उल्टा हो गया, मैं बता देती हूँ, वो एंड लाइन है कि नहीं मिल पाता है, और ऑफिशियल से मिलने भी जाता है, पूछता भी है, तो उसको बोलते हैं कि और कोई प्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्रीज साइड, किसने कहा, नरेटर ने कहा। यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, DS0 88 over, ये कंट्रोल रूम से आया। Paris was about 150 kilometers behind me when narrator saw the clouds, storm clouds, जब वो देखा तो Paris 150 kilometer पीछे छूट चुका था। Storm clouds looked like black mountain. The compass was turning round and round, was dead and would not work. ये सब condition जो हो गया था। There was no light on the black aeroplane. Even then the narrator was able to see the pilot. कोई light नहीं थी, फिर भी वो उसको देख पा रहा है।
The fuel left in the old Dakota plane tank was only to fly for 5 to 10 minutes more. The narrator saw two long straight lines, मतलब कि अब उसको रनवे दिख गया. ठीक है, अब क्वेश्चंस जल्दी से हम इसके कर लेते हैं. Based on the given sentence, pick the option that corresponds to what human parents would do while his parents circled around raising a proud cracker. Seagull के आसपास जो है, जब वो उड़ने लगा तो उसका reaction उसके मम्मी पापा का कैसा था? बहुत खुश थे. हमारे parents होते तो क्या कहते? Well done. Oh no, really? तो of course well done कहते. Next है. Which of the following feelings did the young seagull not feel according to the given context? All day long he had watched his parents flying about with the brothers and sister. तो क्या क्या उसको कैसा नहीं फील हुआ, ये क्वेश्चन आप मुझे आज कमेंट में बताएंगे. उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग. डिवोर गजल. डिवोर इज अ टाइप ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका. निबल भी खाने का तरीका, तो डिवोर है लालच से खाने का तरीका और निबल है छोटा छोटा बाइट लेना. उसका सिनोनिम क्या हो गया? पैक. फिर है पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन व्हाई यंग गर्ल फेल्ट डिजी. क्यों यंग सीगल को चक्कर सा आने लगा, क्यों हुआ? क्योंकि वो पहली बार उड़ान भर रहा था. उसके बाद है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्क्रीम्स द गर्ल इन द गिवन एक्सट्रैक्ट. कैसा था वो? इलेशन में था ना, खुश था बहुत क्योंकि सीगल उड़ने लगा था. द लाइन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई इंप्लाइज दैट डिजायर ऑफ द यंग गर्ल टू लीव हिज फियर्स बिहाइंड सेटिस्फैक्शन एंड जॉय ऑफ फ्लाइंग टुगेदर एज अ फैमिली नेचुरलनेस ऑफ द एक्ट ऑफ फ्लाइंग फॉर द यंग गर्ल. उसमें नेचुरली प्रेजेंट है उड़ने के लिए, है ना. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग mirrors the use of the literary device in shrieking shrilly. एक तो यहाँ alliteration है, जबकि alliteration सब में है, लेकिन एक और चीज़ है वो है onomatopoeia. onomatopoeia क्या होता है? topia. इस literary device का मतलब क्या होता है? अगर sound दिया हुआ है, ठीक है, cowing, फिर उसके बाद कू कू ककू जो करती है, तो वो सब क्या होता है? onomatopoeia. और sneeze silently ये भी क्या है? एक साउंड प्रोडक्शन है, इसलिए क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द रिस्क दैट नरेटर टुक. जो उस नरेटर ने जो रिस्क लिया उड़ने का उस टर्न में भी, उसको क्या कहेंगे? इम्पीटुअस, मतलब कि बहुत ही बेहुदा, वियर्ड, नहीं लेना चाहिए था उसको. रिस्क के साथ रिस्की हुआ, तो रिस्क क्या है? नाउन है. और रिस्की क्या है? एडजेक्टिव है. उसी तरह से हैजर्ड के साथ हैजार्डस, ये होगा आंसर, क्योंकि हैजर्ड जो है नाउन है और ये एडजेक्टिव है, बल्कि यहाँ पे डेंजर नाउन है, डेंजरसली क्या है? एडवर्ब है. तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है. व्हाई डू यू थिंक द कंट्रोल सेंटर लाफ द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर लाफ. वो क्यों हंसी? क्योंकि शी वॉज रिलीव दैट द नरेटर वॉज सेफ. शी थॉट ही वॉज टीजिंग हर. She thought his question preposterous. ये होगा preposterous, मतलब weird, अजीब की है, क्या पूछ रहा है ये. ठीक है, इसलिए वो हंसी. और इसके साथ हमारा तीनों चैप्टर आज होता है ख़त्म. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना. तो आप लोग इसको जाके बस एक बार रीडिंग दे लेना और एक बार PPT देख लेना, उसके बाद सब जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएंगे, मुझे पता है. फिर उसके बाद कल हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे. तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा. चलिए, बाय, गुड नाइट.